अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मारी माई बेकसूर है, हमारी माँ को सारी दुनिया ही गलत कह रही है। अगर भगवान भी आके कहेंगे ना, फिर भी हम ना मानेंगे। हमारी माँ कभी गलत ना हो सकेगी और ये हम साबित करके रहेंगे। पुलिस, खम्मागढ़ी ठाकुर साहब। खम्मागढ़ी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? 4556 इस नंबर की बस से यहाँ कौन आया है? ये तो हमारे बस का नंबर है, टिकट भी है। हमें इनके बैग की तलाशी लेनी होगी। तलाशी क्यों, क्या किया हमारी माई ने? हमें खबर मिली कि जिस बस से यहाँ आई है उसमें कोई ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। हम हर सवारी की तलाशी ले रहे हैं, इसलिए इनकी तलाशी भी लेना जरूरी है। तलाशी लो। दोनों गलत फहमी हुई है। कुछ नहीं है। हो गई ना तसल्ली, ले ली ना तलाशी आपने? हमारी माई एक शरीफ औरत है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लीजिए माई। आपके पास इस बैग के अलावा और कौन सा सामान है? नहीं, कोई नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं इन्हें? इतनी दूर से आई हैं, सिर्फ एक बैग ही लेके तो आई हैं और एक मिठाई का डिब्बा। मिठाई का डिब्बा? इस डब्बे को चेक करो। ड्रग्स। क्या ये? माई? आपको ड्रग्स की तस्करी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो से। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। छोड़िए छोड़िए हमारी माई को। हाथ से बनाई हुई मिठाई लाए थे। हमने कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। चलो का साहब, हमारी माई झूठ ना बोल रही है। सारे को कोई गलत फहमी हुई है, हमारी माई ऐसी ना है। हम बरसों से सर्विस में हैं, चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। तो इसका मतलब आप किसी को भी चोर समझ लेंगे? नहीं, हम हमारी माई को नहीं ले जाने देंगे। आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हटाओ इनको। चलिए माई, चलिए माई। ये क्या तरीका है? आप शायद भूल रहे हैं कि तोमर खानदान की बहू है और इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किस तरह से पेश आना है, ये हमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। और दरोगा जी, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह से तहकीकात कर लेना। तोमर परिवार वार्ड मेयर का इज्जतदार परिवार है और ईश्वरी जी हमारी समधन, ठाकुर आलोकनाथ तोमर की समधन। माफ कीजिए ठाकुर साहब, लेकिन ये बात भी तो वार्ड मेयर की इज्जत की है। पिछले कई महीने से हम शहर में चल रहे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिला। अब जो सबूत मिला है तो आप कह रहे हैं कि जाने दें? पहले तो शक के बिना पर हम यहाँ आए थे, लेकिन अब हमारे पास इनके खिलाफ सबूत है, हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। ले चलो इनको। नहीं माई, छोड़ दो मारी माई को। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया है। माई, माई मारी को मालूम है, छोड़िए।
भाई। मारी माई को छोड़ो, मारी माई हम नहीं ले जाने देंगे, मैं कसूर है मारी माई। रुकिए, ये लास्ट वार्निंग आपके लिए, वरना हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। नहीं ले चलो उनको, नहीं मारी माई को, चलिए नहीं माई मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ विधि, संभालो अपने आप को। भाई निर्दोष है। हाँ, हम जानते हैं तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिलहाल अंदर तो चलो। इस मार्केट को बनाना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जितनी दुकानें बनाएंगे उतनी रोजगारी बढ़ेगी, और आप जितना हो सके दुकानों को थोड़ा बड़ा बनाएं, ताकि जितना हो सकेगा लोग कस्टमर ज्यादा आएंगे। हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ओके सर। खूनी है तू, खूनी है, खूनी। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे पर आप किससे, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हम, अरे तुम खूनी हो, तुम दोबारा आए हो, तुम वही हो, मैं जानता हूँ। हम यहाँ पे, आप गलत समझ रहे हैं हमारी बात। सालों बाद साया हूँ मैं। अरे छोड़ो मारे को, ये खूनी है। आप शांत हो जाइए, आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। खून किया है इसने, हमारी बात तो समझिए। हमारे को छोड़ो, अरे छोड़ो हमारे को, छोड़ो हमारे को, छोड़ो, अरे छोड़ो। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, पागल बुड्ढा है, सारे गांव में ऐसे ही घूमता रहता है, कुछ भी बोलता है, जाने दीजिएगा। पूरे कपड़े खराब कर दिए हमारे, हमें घर जाना होगा, आपसे दोबारा मिलते हैं। जी खूनी हो, तू दोबारा आया है, तुम वही हो, मैं जानता हूं। पता नहीं माई कैसी होगी, क्या कर रही होगी, डॉक्टर रुकम माई के पास जाना है। सब ठीक हो जाएगा विधि, लीजिए आप पानी पी लीजिए, बेटा पानी पी लो। दादा हुकुम, अभी थोड़ी देर पहले आप हम पर और हमारी बेटी पर तंज कस रहे थे, है ना? आप ये कह रहे थे कि हम दोनों भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है।
और हाँ, हम दोनों यहाँ पर आपके घर में यहाँ की शांति भंग करने आए हैं। आपने तो ये भी कहा था कि आपका और आपके परिवार का नाम बदनाम हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं ना? आप देखिए दादा हुकुम, आप जिस लड़की को इस कुल की शान माने बैठे हैं, इस विधि की मॉम ड्रग रैकेट चला रही है। अब देखिए, जिस पौधे की जड़ें ही ऐसी हैं, वो पौधा कैसे होगा? और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये लड़की विधि शरीफ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसकी रगों में भी उसी मां का खून दौड़ रहा है। अब जरा सोचकर ये बताइए कि आपके परिवार का नाम बदनाम कौन कर रहा है? हम दोनों मां बेटी या फिर ये विधि और इसकी मॉम? हम समझ रहे हैं मेहमान साहिबा, भगवान जब किसी की आंखों की रोशनी ले लेते हैं, उनकी समझ को बढ़ा देते हैं। हम समझ रहे हैं, आप मेहमान हैं, मेहमानों की तरह रहिए। हमारे घर के अंदरूनी मामलों में दखल ना दीजिए। दादू साहब, हरी नाक हमारी वजह से नहीं कटी, कटी है तो किसी बहुत बड़ी गलत फहमी की वजह से। जन्म देने वाली माई, उसका दर्जा ना अम्बे माँ से ऊपर हो गया, और मैं सब जानू कि हमारी माई की कोई गलती ना। दादू साहब, मैंने एक मौका दे दो अपनी माई की बेगुनाही साबित करने का। दादा साहब, अरे यदि बहुत खड़ी हो, यदि बहू जिस माँ की थारे जैसी बेटी हो, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हमारे को थारी माई पे पूरा भरोसा है। लेकिन बहू, तुम्हारे सर में बहुत चोट लगी है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर आराम करो। अब करुणा बहू। जी बाबा को। ईश्वर जी को हवाला से बाहर निकालने की जिम्मेदारी थारी से है। ये मारे तोमर खानदान की इज्जत का सवाल है। देखना मारे नाम पर कोई धब्बा ना लगे। बिल्कुल बाबा हुकुम, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम समदन जी पे लगा हुआ दाग मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बस अभी चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए बेटा, आपकी माँ अब हमारी जिम्मेदारी है। मॉम, ममीसा को रोकिए, विधि की माँ को इस ड्रग रैकेट में हमने फंसाया था। अब ये मत पूछिए कि क्यों और कैसे, बस ममीसा को रोकिए, क्योंकि अगर विधि की माँ का राज खुल गया तो हमारा भी खुल जाएगा। एनीवेज यू रिलैक्स। सारी तैयारियां करके रखिए हमारे। समधन साहब, समधन साहब,
क्या आप सच में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन की माँ को हवालात से बाहर निकलवाने जा रही हैं? क्या आपको सच में नहीं लगता कि अब तो वक्त आ गया है कि उस मोजरी वाली लड़की को यहाँ से बाहर निकाला जाए? वसुंधरा जी, आपको ये लगता है कि विधि को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? तो आपसे ज्यादा उतावले तो हम हैं। हम भी यही चाहते हैं। आपको क्या लगा हम जेल जा रहे हैं उसकी माँ को छुड़वाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अंदर जो कुछ भी आपने देखा वो सिर्फ एक नाटक था, बाबा हुकुम का विश्वास दोबारा पाने के लिए। इससे अच्छा और मौका हमारे लिए क्या हो सकता था? आपको क्या लगता है हम बाहर जाएंगे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने, वो भी ईश्वरी की जैसी औरत के लिए? बिल्कुल नहीं। हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, आराम से 4-5 घंटे वहां बैठेंगे और लोगों को ये लगेगा कि हम ईश्वरी को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं, लेकिन असल में तो हम अपने नेल्स पेंट करा रहे होंगे और अपनी अगली चाल सोच रहे होंगे। समधनसा, कितना डराती हैं आप हमको बार बार। पार्लर जा रही हैं तो हमको भी साथ लेकर चलिए। समधन हो तो ऐसी। चलिए। हमने पार्लर में फोन करके कह भी दिया। शर्म आनी चाहिए भाभी साहब को। वो बेचारी लड़की सोच रही है कि भाभी साहब उसकी मदद कर रही है, लेकिन ये तो सच कहें सुने ना, हमसे तो विधि का तो देखा ही नहीं जा रहा है। नहीं, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। ईश्वरी जी को जेल से छुड़ाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विश्वास जी, और अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ चलेंगे। हम बेबा, तू तो जगत की रखवाली है, दुष्टों का संहार करके अपने बच्चों को बचाने वाली है। हम बेबा, तू तो जाने है ना, हमारी माई बेकसूर है। तुम्हारी माई के माथे पे जो कलंक है उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे बा, मिटा दे। गालिक पोत दो पूरे घर पे, मारो पत्थर इन पे, इसी लायक है ये। बाड़मेर का नाम मिट्टी में मिला दिया। बहनों, भगाओ इन्हें हमारे बड़मेर से। हाँ, मारो पत्थर, मारो इनपे, इसी लायक है ये। We'll be right back.
हमें हमें बड़ा किया। मारी माई गलत कभी ना हो सके, और ये बात हम साबित करके रहेंगे, समझ रहे आप लोग? ये छोरी थारे कहने से के होवे, थारी माँ को सारी दुनिया ही गलत कह रही है। दुनिया तो क्या, अगर भगवान भी आके कहेंगे ना, फिर भी हम ना मानेंगे। हमारी माई कभी गलत ना हो सकेगी, और ये हम साबित करके रहेंगे, सुन रहे ना आप लोग? चलो बहनों, हम इनकी बातें क्यों सुने? चलो बहनों, हम काली बोलते हैं, इसी लायक है ये।